सभी को प्रेम वंदन। YouTube से जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी को नमस्कार, प्रेम वंदन। थैंक यू वेरी मच। आइए कनेक्ट करते हैं। जो लोग मूव हो सकते हैं YouTube पे मूव हो जाएं प्लीज। राइट, हम शुरू कर रहे हैं। परमात्मा से जो आम तौर पे हम लोगों का जो रिश्ता है, आम दुनिया जो है वो परमात्मा से एक टाइप का व्यापार कर रही है। आम दुनिया से परमात्मा का इतना ही कंसर्न है कि कोई कोई दुख हो जाए, कोई सुख हो जाए, कोई परेशानी आए, तो कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए जिसके सामने हम जाकर रो सकें, कुछ कह सकें कि हे प्रभु इसका समाधान दे दो। उन सभी समस्याओं को एक आम इंसान के लिए परमात्मा एक समाधान की तरह दिखता है कि भाई चलो कोई समस्या हो तो आप भगवान के जाके कह दो, कोई ना कोई सोल्यूशन वहां से निकल आएगा, कोई ऐसी डिवाइन पावर जिसके आगे आप कुछ कह सको। तो अधिकतर लोगों ने परमात्मा को इस तरीके से ट्रीट किया हुआ है, सोचा हुआ है। हमारा परमात्मा के साथ जो रिश्ता है, इस तरीके से अगर आप एक ये रिश्ता रखते हैं तो ये एक बिजनेस से ज्यादा नहीं है। आज मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए ये कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अधिकतर लोग इस तरह के लेन देन के चक्कर में चलता रहता है उनका इनका सिस्टम जो है कि आज तो मेरे लिए तुम मेरी ये समस्याओं का समाधान दे दो, मैं तुम्हारे आगे कुछ एक नारियल चढ़ा दूंगा या लड्डू चढ़ा दूंगा या प्रसाद चढ़ा दूंगा या कुछ ऐसा वैसा चढ़ा दूंगा। आम लोगों का परमात्मा से इसी टाइप का रिश्ता है। हम जो परमात्मा को थोड़ा सा भी लोग जानते हैं, जिन्होंने समझा है, जिन्होंने उसे जाना है, उन्होंने बहुत प्यार से परमात्मा के साथ प्रेम और आशिकी वाला रिश्ता जोड़ा है। हालांकि ये बात सबके पल्ले पड़ेगी नहीं, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं परमात्मा के साथ प्रेम और आशिकी वाला एक रिश्ता जोड़ने की। हम बात करते हैं यहाँ पर मीरा के प्रेम की, हम बात करते हैं यहाँ पर राधा के प्रेम की, अन्य जो भक्तों ने परमात्मा से प्यार किया उनके प्रेम की बात करते हैं। इन्होंने प्रेम से परमात्मा को रिझाने का प्रयास किया, तो इनकी भक्ति जो है वो सर्वोच्च लेवल की भक्ति है। इनकी भक्ति को हमने प्रेम भक्ति कहा। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेम भक्ति की, परमात्मा से किस तरह से एक आशिकी वाला प्यार हो सके। आज का हमारा टॉपिक यही है कि परमात्मा से किस तरह से आशिकी की जाए। गुरुवाणी में गुनाह साजी फरमाते हैं, गुरुमुख सच्ची आशिकी जिस प्रीतम सच्चा पाइए, कि गुरुमुख ने सच्ची आशिकी लगाई है उस प्यारे से, परमात्मा से, और फिर उन्होंने उस प्रीतम को पाया है। अब जरा आप अपने जीवन में देखें कि हमारी आशिकी कैसी है। हमने संसार की दुनिया भर की चीजों से प्यार कर रखा है। कहने वालों ने कहा कि एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, दिल में किस किस का प्यार बसा रखा है, किस किस का प्यार बसा रखा है। कि परमात्मा ने एक बार आकर पूछ लिया कि भाई तू जरा मेरे को जगह तो दे रहा है अपने दिल में, तो मुझे भी बिठाना चाह रहा है, जरा अभी देख तू सही दिल में किस किस को बिठा रखा है। हमने तो सबको बिठा रखा है, सारे जहान को बिठा रखा है, किस किस को नहीं बिठा रखा जरा पूछ के देखिए लोगों से। अब किसी से बात हो रही है, परमात्मा भगवान किसी से बात कर रहे हैं तो उसे पूछते हैं, अच्छा जरा तो जरा अभी ये बता, तू कह रहा है कि मेरे को बुला तो रहा है कि मेरे दिल में आओ, प्रभु से कह रहा है कि तुम मेरे दिल में आकर बैठो, अच्छा इस दिल में किस किस के लिए जगह रखी हुई है जरा देखो सर। अच्छा अपने माता पिता के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कि मेरे बड़े पूजनीय हैं, उनको तो मैंने दिल में सबसे बड़ी जगह दे रखी है, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, होनी भी चाहिए माता पिता की जगह। अच्छा अपनी पत्नी या पति के बारे में क्या ख्याल है, हाँ जी हाँ बिल्कुल, अरे वो मेरे उसको मैं शादी करके लाया हूँ तो मेरा पूरा फर्ज है उसके प्रति, पूरा दिल मैंने उसको दे रखा है, बहुत प्यार किया है मैंने उसको, बहुत अच्छी बात है, वो भी एक प्यार है आपका। राइट, इसी तरह से अपने बच्चे,
भाई वो तो मेरे लगते जिगर हैं, मेरे दिल के सबसे क्लोज हैं, मैंने जन्म दिया है, मेरा उनके प्रति फर्ज है, मैं कैसे भूल जाऊं उनको? बिल्कुल नहीं भूल सकते आप, बिल्कुल सही, राइट। तो आपने सभी को जगा दी। अच्छा, दोस्तों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे मेरे 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 दिल दिल भर का, पूरा जीवन का जो सार है, मेरे दोस्त ही तो हैं जिन्होंने हर मोमेंट पे मेरा साथ दिया है, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ? वो तो उनको तो मेरे दिल के बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है। बहुत उत्तम। अच्छा, इसी तरह से अपनी जमीन जायदाद के बारे में क्या ख्याल है? बहुत प्यार है मेरे को अपनी जमीन से, जायदाद से, मेहनत से कमाई है, हार्डवर्क किया है, उनको अपने दिल में जगह दे रखी है। बहुत सुंदर। इसी तरह से अपने बिजनेस से, पैसे से, धन से, हर चीज को अपने दिल में जगह दे रखी है, हर चीज को दिल में जगह दे रखी है। तो कहले वालों ने खूब कहा कि एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। परमात्मा ने कहा कि मेरा नाम है वाहिदे ला शरीक, मेरा नाम है वाहिदे ला शरीक। ला शरीक का मतलब होता है कि मेरे जैसा कोई और नहीं है, मैं अपनी सीट किसी के साथ शेयर नहीं करता। परमात्मा ने मुझसे कहा कि मेरे लायक मेरे जैसा कोई और नहीं है, मैं अपनी सीट किसी के साथ शेयर नहीं करता। अगर तेरे अपने दिल में, अगर दिल तेरा तो एक ही है, इसमें कई तरह की उल्फत, कई तरह के प्यार दिल में समा नहीं सकते, अगर मुझसे प्यार करना है तो बस मुझसे ही प्यार कर सकता है फिर, राइट। तो इस प्यार को कैसे कैसे जो है उस मुकाम पर पहुंचाया जाए कि हम केवल परमात्मा के प्रति एक एक भाव से प्रेम कर सक कर कर पाए, राइट। उसके लिए ही हम उस आशिकी की बात करते हैं, प्रेम और भक्ति की बात करते हैं, कि कैसे हमारे दिल में वो सच्चा प्यार परमात्मा को पा सके। पहली बात तो जरूरत किसको है भाई दिवे, आज के इस घोर कलयुग में किसको परमात्मा के प्यार की जरूरत है? दुनिया से अपनी समस्याओं की जरूरत है। इस वीडियो के व्यूज बहुत कम आने वाले हैं, मुझे पहले से पता है। जब मैं वीडियो में डालता हूँ ना कि डिमांड पूरी हो जाएगी, ये ऐसा 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 करो, ये वाली मांग पूरी हो जाएगी, उसके व्यूज लाखों में जाते हैं। पता लग जाता है ना लोगों की हस्ती क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो पता लग जाता है वहां से। कोई भी ऐसा टॉपिक डाल दो, ये करो और ऐसा करने से आप ये समस्या सुलझ जाएगी। ठीक है, हमें पता है लोगों की नस कहाँ पर है, वो सब उसी के बहाने से समझाना पड़ता है। चलो ठीक है, ये करके ही निकल लो, अगर तुम्हें यही बात आते तो यही ठीक है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान ठीक है। लेकिन याद रखना, सारी समस्याओं का मूल कारण यह है कि तुम परमात्मा से बिछड़े हुए हो। मेरे गुरुदेव का ऐसा कहना है कि सारी समस्याओं की जो जड़ है वो बिछोड़ा है। एक बच्चा जो पिता की उंगली पकड़ कर चल रहा था, पिता की उंगली पकड़ी हुई थी, सारे सुख थे, चारों तरफ दिखता था, मेले में जा रहा है बच्चा, मेले में पिता की उंगली पकड़ के चल रहा है, वापस एक लाइट 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 चल रही है, रंग बिरंगी लाइटें। पहले टाइम में बड़ी वैल्यू थी हर चीज की, चलो अब चीजें सब मोबाइल पे हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बड़ी वैल्यू थी। हम देखते हैं उस टाइम, समय को याद कीजिए, मेला देखने जाते तो बड़ा क्रेज होता था, क्योंकि साल में एक बार कभी मेला लगता था, दशहरे का मेला लगता था, पूरा क्रेज होता था, हाय मेला देखने चलते हैं। तो पापा की उंगली पकड़ के बच्चा चल रहा है, मेला दिख रहा है, लाइटें जल रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, झूले झूलाए जा रहे हैं गोल गोल, वो बड़ा उसको बच्चे को पापा झूले 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 झूले, पापा मिठाइयां मिठाइयां मिठाइयां, पापा लाइटें दिख रही हैं, झूले दिख रहे हैं, मिठाइयां हैं, खाने पीने की चीजें हैं, खिलौने हैं, सब तमाशे हो रहे हैं, सारा कुछ अच्छा लग रहा है, बच्चे को बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा एक्साइटेड है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इस सारी भीड़ भाड़ के बीच में गलती से कहीं पर इस बच्चे को, जिसने पिता की उंगली पकड़ी है, सारी चीजें उसको अच्छी लग रही है, लेकिन गलती से कहीं पर उसका पिता का हाथ छूट जाता है, पिता की उंगली छूट जाती है। अब ये बच्चा सब कुछ वैसा का वैसा ही है, वही लाइटें, वही मिठाइयां, वही खिलौने, वही झूले, सब कुछ है, लेकिन अब इस बच्चे को क्या चाहिए, अब इस बच्चे को क्या चाहिए, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पापा पापा पापा, इस पूरी भीड़ में अब कोई मेरा नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, बेशक दुनिया है यहाँ पर, हजारों लाखों का मेला हो सकता है, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। रो रहा है वो बच्चा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हाय कोई आ जाए, हाय कोई पापा से मिला दे, हाय कोई पापा से मिला दे,
पापा से मिला दे। मेरे गुरुदेव कहते हैं, मेरे गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि बस पापा, ये जो बिछोड़ा है ना, ये सारी बीमारियों की जड़ है। हमारी आत्मा रो रो के, चीख चीख के उसी एक परमेश्वर को मांग रही है। आप समझते हो, कभी किसी मरीज को पड़े हुए देखा है ऐसे, कोई सो लेटा पड़ा है, उसकी आह निकल रही है, आप जानते हैं वो क्या कह रहा है? जरा सोच के देखिए, ओम 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 ओम। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके मुंह से कैसी आह निकलती है, कुआ 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 रोता है, क्या बोलता है, क्या मांग रहा है, वो सब उसी ओंकार को याद कर रहे हैं, उसी परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, उसे याद कर करके रो रहे हैं। बस उसे हम भुला देते हैं, उसे हम अलग अलग लॉलीपॉप दे के रिझा देते हैं। ये बच्चा जो पिता की याद में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, इसको उसके इसके इसके आके जो रिश्तेदार जो है ना, कोई ना कोई इसके आप आके रिश्तेदार बन जाते हैं। बेटा बेटा ले 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 खिलौना ले, ले देख खिलौना ले, थोड़ी देर के लिए खिलौने से रिझता है, फिर पापा खिलौना फेंक देते, फिर पापा चाहिए। कौन है ये पापा? हमारा पापा कौन है? किसकी याद कर रहे हैं हम? किसे तलाश रहे हैं? किसे तलाश रहे हैं इस पापा को? वो जो प्यारा, वो जो प्रियतम, जिससे हम बिछड़ के आए हैं, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, वो पिता, उसको कोई भी नाम दे दो, उसे सतगुरु कह लो, मुर्शिद कह लो, प्रियतम कह लो, भगवान कह लो, श्री कृष्ण कह लो, उसे गुरु महाराज कह लो, जो मर्जी नाम दो, एक ही बात है, उसी से बिछड़े हैं। याद करते हैं बार 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 बार, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, ढूंढते हैं वो अपने प्यारे को, जगह जगह ढूंढ रहे हैं। आप जिस चीज में भी तलाश रहे हो, दुनिया की मोहब्बत में तलाश रहे हो, आशकियां, दुनिया की जो कर रहे हो, खान पीन में तलाश रहे हो, किसे तलाश रहे हो? दुनिया की हर चीज में, हर तलाश के पीछे एक ही खोज है, और वो है आनंद की खोज। आनंद चाहिए, आई नीड हैप्पीनेस। हाय, कोई आनंद दे दे, कोई पत्नी आनंद दे दे, कोई पति आनंद दे दे, कोई कोई बच्चे आनंद दे दे, कोई खुशियां दे दे, कोई सोशल मीडिया आनंद दे दे, कुछ तो दे दे, कुछ खुशी मिल जाए कहीं से, है या नहीं? उसी आनंद की तलाश कर रहे हैं। वो आनंद किसको मिल रहा है? भाग रहे हैं सब, इधर से सभी उस आनंद की तलाश कर रहे हैं। किसको मिल रहा है वो आनंद? किसी विरले कोई बात समझ में आती है, जिसने फिर ये बात कही कि जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। मजे की बात यह है कि जिस पापा की उंगली बाहर ढूंढ रहा था, वो पापा ने तो अंदर से तो उसे पकड़ा ही हुआ है, लेकिन वो ढूंढता नहीं है, अंदर का पता किसी ने बताया नहीं कभी भी, वो ढूंढता बाहर है, क्योंकि सारी खुशियां उसे बाहर नजर आती है। पापा की उंगली छूट गई है, ये याद रखना, वो पापा, वो पिता, वो हमारा जो आनंद स्वभाव है, वो हमारा छूट गया है, उसी को ढूंढ रहे हैं हम, ऐसे उसी की तलाश कर रहे हैं। जिस मर्जी तरफ हम खोज ले, हमारी सारी सारी मोहब्बत, सारा प्यार, सारी आशिकी, सारी इच्छा सिर्फ उसको पाने के लिए है। इसको याद रखना अच्छे से, हर तलाश के पीछे जाकर देखना, कोई भी डिजायर। अच्छा, मकान मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा? मान लो मकान कोई ढूंढ रहा है। अच्छा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या कर देगी वो? अच्छा, अच्छा खाना बना के दे देगी, उसके पास बैठने का सुख मिल जाएगा, सो व्हाट? अंत में क्या चाहिए? सुख चाहिए। यही पत्नी हो, सुंदर भी हो, गुणवती भी हो, सारी बातें हो, उसकी आपसे ना बने, उसके अंदर बहुत गुण है, सुंदर है, गुण है, लेकिन आपसे बनी नहीं, दोनों की खटर पटर लगी रहती है, फिर ये पत्नी कहां सुंदर हो जाएगी, बताइए? छोड़ देते हैं ना लोग, हाथ जोड़ लेते हैं ना, डिवोर्स, बस जाओ अपने घर, तुम अपने घर और हम अपने घर। कहां गया वो? किस चीज के पीछे? उसकी सुंदरता या उसके गुण किस काम आए? अगर वो आपके लिए नहीं, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में तब तक अच्छा है जब तक वो आपके प्रति पॉजिटिव है। आपका बेटा जितना मर्जी गुणवान हो, कितनी मर्जी ऊंचाइयों पर संसार की सफलता पा रखी हो, लेकिन
आपके साथ दुश्मनी का व्यवहार रखता है, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? सोच के देखिए। सारे सुख मेरे स्वार्थ के कारण है। अगर वो मुझे सुख दे रहा है तो वो अच्छा है, और मुझे सुख नहीं दे रहा तो फिर जाए अपने घर, आई डोंट केयर। ऐसा है या नहीं है देख लो। सारे सुख स्वार्थ के हैं, कोई मेरे प्रति सुखपूर्ण है। घर की नार बहुत हित जासो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एक आदा, प्रेत प्रेत कर भागी। जब बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी आशिकी थी, लेकिन जैसे ही हम जुदा हुए, हम दूर हुए, हमारा शरीर छूटा, तो प्रेत प्रेत कर भागी। जीवन में भी कोई बीमारी लग जाए, कौन साथ देता है? कौन साथ देता है? सब अपना किनारा करते नजर आते हैं। कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, सब किनारा करके भाग रहे होते हैं। सबको अपना सुख प्यारा है, आपका सुख किसी को प्यारा नहीं है। इसलिए अच्छे से याद रखना, अपने आप के साथ सारी मोहब्बत जो है हम अपने आप के साथ कर रहे हैं, तो इसी को पहचान लो ना, इसी को अपना इष्ट बना लो कि हमारा यार हम में है, हमन को इंतजार क्या। तो इसके साथ आइए उस परमात्मा के साथ सच्ची आशिकी कैसी हो, अगर करनी है तो उसी को फिर बनाया जाए ना। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा, उसी को बुलाओ फिर अगर प्यारी करना है तो। सच्ची आशिकी होती है, 11 तरह की आशिकी आसक्तियां बताई गई हैं। किसी को होती है परमात्मा के गुण महात्म्य आसक्ति बोलते हैं। आसक्ति आशिकी एक टाइप के प्यार, किस चीज से प्यार है आपको? तो 11 तरह की आसक्ति आशिकियां बताई गई हैं, गुण महात्म्य आशिकी। परमात्मा के साथ गुण और गुण के साथ प्यार करना, परमात्मा के गुणों के साथ प्यार करना। दूसरी तरह की जो आशिकी बताई है, रूप के साथ आसक्ति, परमात्मा के स्वरूप के साथ प्यार करना, रूप के साथ प्यार करना। तीसरी है उसकी पूजा में आसक्ति। आप देखना आपके अंदर कोई ना कोई गुण मिलेगा, एक एक टाइप का गुण मिलेगा। देखो कौन सी आशिकी आपके अंदर प्रबल लेवल पर है। चौथी आशिकी बताई गई स्मरण आसक्ति। चौथी स्मरण आसक्ति, याद करना, उसको बार बार याद करना, स्मरण करना। हर एक का अपना अपना प्यार है परमात्मा के साथ, देखना आपका किस तरह का प्यार है। पहला है गुण के वर्णन करना, मैं अपने भगवान के गुणों का वर्णन सुन सुन के प्रसन्न होता रहूं। दूसरी रूप आसक्ति, तीसरी पूजा आसक्ति, परमात्मा के रूप का आसक्ति, राइट, पूजा आसक्ति। चौथी स्मरण आसक्ति, पांचवी दास्य आसक्ति, कि मैं उसका दास हूं और वो मेरे स्वामी है, ऐसा भाव मन में, जैसे भी लगे वो आप पर डिपेंड करता है, राइट। तो दास से आसक्ति है, दास से आसक्ति का मतलब है कि मैं अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, उसके प्रति मैं सेवक बना रहा हूं, जैसे हनुमान जी का दास से भाव है, प्यार है अपने स्वामी के प्रति, भगवान राम के प्रति, राइट। स्मरण आसक्ति जैसे है, जैसे भीलनी का प्यार है, मीरा का प्यार है, स्मरण आसक्ति, याद करते रहते हैं, दिन भर उसकी याद में बने रहते हैं। नारद का प्यार है, नारायण नारायण नारायण, ये प्यार है अलग अलग टाइप का, राइट, स्मरण करते रहते हैं। मीरा पूजा भी करती है, अलग अलग आसक्तियां हो सकती हैं, एक व्यक्ति के अंदर कई आसक्तियां भी हो सकती हैं। इसी तरह से छह होती है सच्चे आसक्ति, परमात्मा के प्रति सखा भाव, मेरा मित्र है वो, मेरा दोस्त है, अर्जुन वाला प्यार, अर्जुन वाला प्यार। देखो अपने अंदर टटोल के, हमने परमात्मा से कौन सा प्यार किया है, हमने परमात्मा से कौन सा प्यार किया है। उसके गुणों के साथ जुड़े हैं, रूप के साथ जुड़े हैं, पूजा के साथ जुड़े, इन्हीं का उल्टा सीधा वर्जन। अगर आप परमात्मा से प्रेम नहीं करें तो आप किसी ना किसी के गुण जरूर गा रहे होंगे, याद रखना। या तो परमात्मा के गुण गाएंगे या किसी MLA MP के गुण गाएंगे, उस व्यक्ति के गुण गाएंगे जो आपके जीवन में आपका काम बनवा देगा। अपने बॉस के गुण गा रहे होंगे, अपनी पत्नी के गुण गा रहे होंगे, अपने पति के गुण गा रहे, किसी के न किसी के गुण तो गा रहे होंगे, याद रखिए। तो गुण ही गाने हैं, तो किसी ऐसे के क्यों ना गाओ जो आपके अंदर तक, रगों तक आपकी बीमारी निपटा दे। गुण ही गाने हैं, जैसे मीरा ने कहा कि मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जिए और मर जाए, मैं वरूं अपने गिरधर गोपाल को, मेरा चूड़ला अमर हो जाए। ऐसा क्यों ना करूं कि मैं मेरा चूड़ा अमर हो जाए, मैं अगर ऐसे वर को क्यों वरूं जो जिए और मर जाए। संसार में ऐसे लोगों से क्या प्यार करना, आज है और कल छूट जाएगा। आज सुबह से मेरी 3 लोगों से बात हुई, अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों में से, मतलब 3 में से 3 लोगों से बात हुई जिनके हस्बैंड अभी रिसेंटली एक्सपायर किए,
मतलब कोरोना टाइम पीरियड में आगे पीछे कोई चले गए, अब उनके जीवन में इसके से बड़ा दुख कोई और नहीं है, हाय चले गए, बात खत्म हो गई, क्योंकि सारी जिंदगी सारा प्रेम एक ही व्यक्ति पर लुटा दिया था, पर वो जीवन से चला गया, क्या करोगे अब आप। बड़ा दुखद है, बहुत पीड़ा है मुझे इस बात की, लेकिन क्या करोगे बताओ, क्या करें अब, क्या करें इस दर्द का, क्या करें। अब जो संसार में आप पीड़ा झेल रहे हो वो अपनी जगह पर, उसका भी हमने कुछ समाधान उनको दिया, उनकी नौकरी वोकरी लगाने के ऊपर काम कर रहे हैं, वो एक बात है, ठीक है, उसका भी एक समाधान जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन लेकिन जीवन का क्या करोगे। जीवन में आपने किसी से प्रेम किया और व्यक्ति जीवन से चला गया, अब वो व्यक्ति अपना ठिकाना ढूंढ रहा है, अपना ठिकाना ढूंढ रहा है, हाय कोई और शादी कर लूं, कोई और ठिकाना बना लूं, सबको आपकी रिप्लेसमेंट करने के लिए दुनिया तैयार बैठी है, कोई ये मत समझ लेना कि आप ही की आशिकी है या आप ही का प्यार है जिसके पीछे आप कुर्बान हुए फिरते हो, तो याद रख लेना इस बात को, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, सब अपने अपने स्वार्थ के प्यारे हैं, आप तलाश रहे हो उसको, उसको ढूंढ रहे हो, अब उसको ये बात की चिंता, हाय मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए, इस बात के लिए कोई रो रहा था कि मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए, उनको उसके जाने का दुख नहीं है, मुझे कोई सहारा क्यों नहीं दिया, अगर सहारा देके गए होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जाओ, कौन ढूंढ रहा है यहाँ पर, कौन किसके साथ सच्चा प्यार करता है, सब अपने स्वार्थ को रो रहे हैं, मेरा स्वार्थ पूरा हो गया होता आई डोंट केयर। क्या फर्क पड़ता है किसी के आने से या किसी के जाने से, आपको लगता है कि आपके संसार से जाने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बहुत लोग रोएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर 10 लोग रोए या 10,000 लोग रोए या 10 लाख रोए क्या हो जाएगा, आप तो गए, सो व्हाट, किस काम का। तो कैसी आसक्ति, संसार से आशक्ति, आश की पाई तो पाया क्या। राइट, आगे देखते हैं, कांत आसक्ति, पति भाव से परमात्मा को भजना, पति भाव से, हमने हमने पति भाव से परमात्मा को नहीं भजा, हमने पति को भजा है, मतलब हमारे यहाँ पर यही सिखाया गया ना, पति परमेश्वर, तो पत्नी परमेश्वरी, चलो उनकी पूजा करो, उनको राजी रखो, बस वो राजी रहे, सारा संसार राजी है, राइट, उन्हीं को राजी करते करते सारा जीवन बीत जाता है, वो राजी हो के नहीं देते, परमात्मा की तरफ हमारी कभी आसक्ति हुई नहीं, मृत्यु के समय जाकर जब अकेला छोड़ दिया जाता है तो फिर सब याद आता है, हाय परमात्मा से कुछ प्यार कर लिया होता, बात कुछ समझ आ गई होती। वात्सल्य आसक्ति नंबर 8 पर होती है, वात्सल्य भाव, परमात्मा के प्रति एक पिता का भाव, उसे अपना पुत्र समझना, पुत्री समझना, इस प्यार से प्यार करना। नंबर 9 होता है आत्म निवेदन आसक्ति, कुछ लोगों को परमात्मा के सामने अपनी बात कहने में बड़ा आनंद आता है, अपनी बात वो कहते रहते हैं, आज की मार अपने हिसाब से आज की लगी रहती है उनकी, अपनी बात कहते रहते, सुने ना सुने कोई बात नहीं, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, इसको बोलते हैं आत्म निवेदन आसक्ति, मैंने अपनी बात कह देनी है, तो सुन ना सुन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो कह देना है, अच्छी बात है, कम से कम उन लोगों से बहुत अच्छे हो जो अपनी बात कहने के लिए संसार में किसी ना किसी अहरे गहरे को टारगेट बना के रखते हैं। हमारे यहाँ पर एक बचपन में याद आती है, एक आंटी हुआ करती थी, चलता फिरता न्यूज पेपर, सुबह कुछ पुरानी 20-25 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ, 30 साल पुरानी, तो उस समय वो कुछ होता नहीं था, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया और सारा दिन खबरें चालू इधर से उधर, आज पता ये हुआ, आज पता वो हुआ, अपनी रामधारी सबके आगे बक 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 बक, आज भी लोगों को कमी थोड़ी है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कुछ सुन लेंगे, और कोई उनको बंदा चाहिए अब किसके सामने ये गाएं, और बस जैसे कोई मिला उसको ठाक ठा 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 उसके ऊपर सब सुना डाला उसको, क्या हो रहा है जरा सोच के देखिए, किसके सामने रो रहे हो, सिर्फ आप अपनी बात कहने के लिए फिर रहे हो, ऐसे मूढ़ता हम भी नहीं है कि ऐसे अरे घरों की बात सुने, लेकिन लोग सुनने वाले बैठ मिल जाते हैं, उनको भी टारगेट मिल जाते हैं, वेले बैठे खाली लोग, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। नंबर 10 होता है तन्मयता आसक्ति, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको परमात्मा में लीन होना आनंदित करता है। और लास्ट है परम विग्रह विरह आसक्ति, ऐसे लोग जिनको परमात्मा से बिछड़ने का दम जो है ना बड़ा गहरा उनके अंदर गया है, अब जिनको ये 11 तरह की आसक्ति है, ऐसे लोग धन्य हैं, ऐसे लोग सच में पूजनीय हैं जिनको परमात्मा से इस तरह का प्यार है, धन्य है वो लोग जिनके दिल में वो प्यार पैदा हुआ, महान है वो लोग जिनके दिल में प्यार पैदा हुआ। एक घड़ी का सिमरण तेरा जन्म जन्म के रोग निवारे, निश्चिन जिसके दिल में विराजो उसकी महिमा कौन उचारे।
ऐसे परमात्मा के साथ प्यार करके देख लेना। अभी भी मुझे पता है कि लोग यहाँ जो बैठे हो ना, आपके सबके विचार सुनाई पड़ते हैं, अगर मैं सुनने लगूं तो बैठे हुए सोचे जा रहे हैं, अपने टेंशन लेकर बैठे हुए हैं, वो तनाव चल रहा है, वो तनाव चल रहा है, ये सब तो चलता रहेगा। अरे पहले हमारी वो समस्या तो सुलझ जाए, सबको अपनी समस्या से लेना देना है। कौन बैठ के यहाँ पर आज क्या मार रहा है, कौन परमात्मा के साथ जुड़ने की बात कर रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, ये सब चल रहा है। यहाँ पे बैठे जरूर है, बैठे जरूर है, लेकिन वो तन तो दुनिया को दिया, मन मन तो दुनिया को दिया, तन संतन के संग है कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। यहाँ बैठे जरूर है, सत्संग सुनने नहीं, कोई लेना देना नहीं, सब अपनी दिमाग भरे चलता रहेगा सब। पहले हमारी समस्या का समाधान जाए, भाड़ में जाए, सब चलता रहता है ऐसे। किसी विरले को परमात्मा से प्यार होता है, किसी विरले के दिल में वो आशिकी जागती है। अगर आपके दिल में जागी है वो आशिकी, तो धन्य धन्य भाग मनाना, धन धन भाग मनाना कि आपके दिल में प्यार पैदा हुआ है। कभी दिल से कभी आंखों से आंसू टपकते हैं उसकी याद में, तो धन धन भाग मना लेना, भाग मना लेना। अगर उसकी याद में अगर कभी प्यार आता है दिल से, तो भाग मना लेना अपनी। जो कहते हैं कि तेरे पास बैठना भी इबादत, तेरे पास बैठना भी इबादत, तुझे दूर से देखना भी इबादत, न माला न मंत्र न पूजा न सजदा, तुझे हर घड़ी सोचना भी इबादत। धन्य है वो लोग जो परमात्मा से प्यार करना जानते हैं। उनको नहीं पता, किसी प्यार प्यार में उनकी सारी समस्याएं सब सुलझ जाती हैं अपने आप। उन्होंने एक को पकड़ा है बस, उस एक को जो सारी समस्याओं का समाधान है। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारी बीमारियों के पीछे एक जड़ जो है ना, वो है बिछोड़ा, कि बिछड़े हुए हैं। काश कोई मेल दे, एक बारी मेल दे रब्बा, किधरे बिछड़े ना मर जाइए, ऐसे ना मर जाए और पता लगे कि जो करने के लिए धरती पर आए थे, पहचानना था अपनी आत्मा को, वो काम ना किया, वो काम ना किया, अपनी आत्मा को पहचानने का कोई शुभ कर्म ना किया, अपनी परमात्मा को पहचानने का कोई कर्म ना किया, बस ऐसे ही व्यर्थ करके अपना समय निकल गए। कोई टारगेट है जीवन में, कुछ अचीव हो रहा है, बात समझ में आ रही है, या ऐसे ही चले चले जा रहे हैं? जरा कर लेना, अब ना भजस, भजस कब भाई, आवे अंत ना भजे आ जाए, फिर कोई मजाक ना हो जाए इस तरह का। तो जरा कर लेना अभी के लिए, परमात्मा से सच्ची आशिकी लगा लेना, परमात्मा से सच्ची आशिकी लगा लेना कि मेरी इबादत को ऐसे कल को कर कबूल, ऐ मेरे सदगुरु की सजदे में मैं झुकूं तो मुझसे जुड़े हर शख्स की जिंदगी संवर जाए। हम तो ये वरदान मांगते हैं परमात्मा से कि मैं तो झुकूं सजदे में, मैं तो प्रार्थना करूं, लेकिन मेरे से जुड़े हर शख्स की जिंदगी संवर जाए। आपकी कृपा से इस तरह से नवाज देना, ये गुरुदेव कृपा करना सब पर, सब पर। मेरे सनातन धर्म ने मुझे ये सिखाया है हमेशा सबके लिए भला मांगना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, मेरे गुरुदेव ने सिखाया है कि सब समस्त संपूर्ण जगत का कल्याण मांगना, स्वार्थी मत हो जाना कि मेरा मेरा कल्याण हो जाए बाकी सब रह जाए। मेरे गुरु महाराज जी ने सबके लिए सिखाया, सबका कल्याण सिखाया। तो बस प्यार जो है, परमात्मा का प्यार अपने दिल में बसाएं, धन भाग्य मनाएं कि ऐसे गुरु, ऐसे परमात्मा के साथ अगर हमारा मेल हो रहा है। मैं एक बार एक एक करके इन पॉइंट्स को और थोड़ा क्लियर करता हूं। तो जिसको हम गुण महात्म्य आसक्ति बोलते हैं, वो कैसी होती है? गुण महात्म्य का मतलब होता है अपने इष्ट गुरु के गुणानुवाद गाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रियतम भगवान के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। उनकी इस प्रकार की भक्ति में बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, रुचि होती है। जरा करना, अगर ऐसी आशिकी होती है तो जरूर करना, कोई ना कोई रास्ता तो खोजना। अब आपको देखो, इन 11 में से कौन सा रास्ता समझ में आता है? जो रास्ता पकड़ में आए वो पकड़ लेना, चलो ये नहीं तो वो नहीं तो ये, यहां नहीं तो वहां, कुछ तो समझ में आएगा। भगवान के सामने यही कह देना, प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, कोई सेवा ही दे दो, कोई सेवा ही दे दो। हम चाकर गोविंद के, ठाकुर मेरा पारा, गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं हम तो चाकर हैं, हम तो गोविंद सरकार के चाकर हैं, परमात्मा के चाकर हैं, सच्ची सरकार के चाकर हैं, उसकी सेवा करेंगे, उसकी सेवा में संसार का कल्याण भी हो जाएगा और अपनी आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा। हम तो उसके रूप के दीवाने हैं, लेकिन उसके रूप के दीवानगी में संसार का भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है, इसीलिए परमात्मा के साथ प्रेम किया जा रहा है।
उसकी पूजा करेंगे, उसको स्मरण करेंगे, उसकी स्मरण में दुनिया का चिंतन अपने आप क्लियर होता चला जा रहा है। जिसको याद करोगे, मैंने कहा ना, मैंने अगर परमात्मा से आशिकी करी तो फिर क्या मांगा? कोई स्वार्थ नहीं मांगा कि मेरा मेरा ये काम पूरा कर दे। मैंने परमात्मा से क्या कहा, मेरी इबादत को ऐसे कबूल है, मेरे कबूल कर मेरे सदगुरु, इस सजदे में मैं झुकूं तो मुझसे जुड़े हर शख्स की जिंदगी संवर जाए। ये हमारी आशिकी है, ये हमारी आशिकी है। झूठ नहीं मांगा, स्वार्थ नहीं मांगा कि मेरा मेरा कल्याण हो जाए, मांगा कि सजदे में तो मैं झुकूं और मेरे साथ जुड़े हर इंसान का जीवन संवर जाए। ये सच्ची मांग होती है एक प्रेमी की, एक आशिक की, परमात्मा के साथ जिसने सच्ची आशिकी करी। गुरुमुख सच्ची आशिकी, जिस प्रीतम सच्चा पाई, उन्होंने उस सच्चे प्रीतम को पाया है। अरे उसके साथ प्रेम ना किया जाए तो फिर किसके साथ प्रेम किया जाए? संसार के इन झूठे लोगों से प्रेम करके क्या पा लिया है, क्या पा लिया है? किस किसके साथ प्रेम किया है? हमने अनेक जन्म देखे, अपने भी देखते हैं और दूसरों को भी देखते हैं। 20-20, 25-30-30 जन्मों से साथ है, पति पत्नी का साथ चला आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। पर नर नारी को खाए रहा और नारी नर को खाए, वो उसको नरक में घसीट के ले जाती है, वो उसको नरक में घसीट के ले जाता है। सारी जिंदगी बस इनकी आशिकी नहीं खत्म होके देती, एक बार होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, फिर वही वही, बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं। अरे भाई, अगर सच्ची आशिकी थी तो एक दूसरे का कल्याण करके मुक्त हो गए होते। मुक्ति क्यों नहीं हुई अभी तक? बार बार मरे जा रहे हो, जन्मे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, कुछ शर्म नहीं आती क्या भाई? कुछ निपटारा करो, यहां से जाओ, कल्याण करो। अगर आ गए, वो बात समझ में आ गई है तो ऐसा निपटो कि द्वारा आने की जरूरत ना पड़े, उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अंत में मुक्ति इज द ओनली वे आउट। अगर कोई साथी जीवन में सहयोग करे, पत्नी बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है, अगर दोनों मिलके इतना सहयोग कर लें कि दोनों का एक लक्ष्य हो जाए और वो हो परमात्मा की भक्ति हासिल करना या मुक्ति हासिल करना। भक्ति मांग लो तो मुक्ति उसमें अपने आप समाहित हो जाती है। मेरे गुरुदेव ने फरमाया है कि भक्ति मांग लिया करो, उसमें मुक्ति अपने आप समाहित हो जाती है, राइट? तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो मिल जाएगी। भक्ति मांगो या मुक्ति मांगो, मिल तो जाएगी, इसको अच्छे से समझ लो। तो इस बात को दिमाग में बिठा लो। तो ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भक्ति और मुक्ति में से क्या मांगने की बात की जाती है। तो भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की चढ़े, भगत हर्षाए, और न कोई चढ़ सके निज मन समझो आए। कबीर साहब जी ने सीधी सीधी बात फरमा दी है कि भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है, सहज मिल जाएगी। मेरे गुरुदेव ने फरमाया, प्रेमी के मैं कर बिकू ये मेरा असूल, चार मुक्ति दू ब्याज में दे ना सकूं मूल। अगर तुम भक्ति करते हो तो कहते मुक्ति, चार मुक्तियां तो मैं ब्याज में पकड़ा दूंगा, चार मुक्तियां तो ब्याज में पकड़ा दूंगा, मूल तो चुकाया नहीं जा सकता। तो सच्ची आशिकी परमात्मा के साथ की जाए, जरा एफर्ट डाला जाए, कुछ उसके गुणवान गुणानुवाद गाए जाए कि दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, एक बार आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, किसी तरीके से आ तो जा। अब ये, अब आप देखो, आपके दिल में भी ऐसी इच्छा है तो जरा मांगना अपने प्रभु से, अपने प्यारे, अपने भगवान से ये प्रार्थना जरूर करना, राइट? परमात्मा से यही मांग रखनी कि दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जाए। इसमें कोई कंफ्यूज मत हुआ करो, इष्ट अपना गुरु, इष्ट परमात्मा एक के साथ प्यार का रिश्ता जोड़ देना दिल से, और उसको अपने दिल में बिठा कर ये मांग लेना कि दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा। मांग लेना परमात्मा को, किसी रूप को भी मांगना, मैटर नहीं करता। इसमें कोई फर्क नहीं कि आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हो, माँ भगवती की कर रहे हो, गुरु की कर रहे हो, श्री कृष्ण की कर रहे हो, या भगवान के किसी और रूप को मान रहे हो, गुरु नानक देव जी को मान रहे हो या किसी और रूप, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है? अधिकतर लोगों को लगता है मेरे वाले भगवान को सब प्यारे कर, प्यार करें बस, मेरे वाले भगवान ही सच्चे हैं। ये भी बड़ी मूर्खता है, इस चक्कर में मत पड़ जाना। एक ही है, वो एक ही परम तत्व है, उसी के अलग अलग फॉर्म है, वो जिस रूप में भी मिले, आपको जो रूप अच्छा लगता है उसी के साथ आसक्त हो जाना, आपको जो अच्छा लगता है, आपके लिए वही सब कुछ है।
तो इसमें इस चक्कर में मत पड़ जाना, कौन से भगवान की भक्ति मांगू, ये कोई गलत फहमी में मत पाना, कौन से भगवान, कौन से का मतलब क्या, हाउ मैनी, ये कोई 50 है क्या, कोई नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं, कैटेगरीज है उनकी अलग अलग, कोई भी किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन आपका दिल किसके साथ जुड़ता है, आपके लिए वही है, आपके लिए, इसलिए गुरमुख सच्ची आशिकी सुप्रीतम सच्चा पाई, उसको बुलाओ अपनी ये गलियों में मेरी आ जा, दिलदार यार प्यारे सच्ची आशिकी मांग लेना, ये मौका है, मृत्यु के बाद कोई नहीं कहेगा, मौत के बाद कोई नहीं कहेगा कि मांग ले आशिकी, फिर कौन मांगेगा, पड़ा होगा लटका होगा कहीं मुंह पे वो गंगा जल डाल रहे हैं, फिर कौन सी आशिकी, दिन भर जब तक दिल के अंदर आग है ना तब तक मांग ले भक्ति, मांग ले सच्चे दिल से वो भक्ति, कुछ कमी उनके दर पे नहीं है, वो देने वाला बैठा हुआ है शहनशाह, जरा आप तो मांग लो, रोज रोज नहीं होता, ये खेल दोबारा नहीं होने वाला, ये बात याद रख लेना, अभी कर लो प्यार परमात्मा से, प्यार कर लो, सारी खुशियां पीछे पीछे दौड़ी चली आएंगी। हर बार मैं आपकी समस्याओं का समाधान नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ये आखिरी समाधान है, अगर कर सकते हो तो ये आखिरी समाधान है, बस मांग लेना, मांग लेना सर्वोच्च ऊंचाई को, मांग लेना भक्ति, मांग लेना परमात्मा का प्यार, मांग लेना और अपने दिल को एक सच्चे भक्त की तरह खोल कर रख देना, सच्ची आशिकी की तरह खोल कर रख देना। बड़े लोगों की आशिकियां करी, बड़े ऐरे घरों को बिठा कर रखा, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, कब फिर ठिकाना है कहां उसके बिठाने के लिए, अरे बिठा ले एक बार उसको, वो बैठ गया सारे संसार की हर समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, वो आए तो सही दिल के अंदर, किस किस के विचार बनाकर बैठा हुआ जरा देख, इस छोटे से दिल के अंदर इतनी सारी वासनाएं भरी पड़ी है, इतनी डिजायर, इतनी इच्छाएं, ये पालू वो पालू, इतनी समस्याएं, आखिर जीवन का कोई अंत भी है कि नहीं है, जीवन का कोई एम भी है कि नहीं है, उस एम को याद रख, अच्छे से याद रख और उसकी तरफ पहुंचने का प्रयास कर, हर संभव प्रयास कर और दिल से बुला उसको कि दिलदार यार प्यारे गलियों में, अभी तक किसी ने यही तो नहीं सिखाया ना, आज तक हर जगह पर बस इतनी ही बात होती रही कि किसी तरीके से बस मेरी डिमांड पूरी हो जाए, मैं जैसा मूड हूं वैसा मैं बना रहूं, बस मेरी इच्छाएं पूर्ति होती रहे, हर चीज को हमने साधन बनाया है, साध्य नहीं बनाया किसी को, किसी परमात्मा को हमने साध्य नहीं बनाया, हमने साधन बनाया परमात्मा को भी, एज ए यूज किया है हमने, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, परमात्मा को हमने आराध्य नहीं बनाया, हमने साध्य नहीं बनाया, साधन बनाया, यूज किया हमने, यूज नहीं करना उसको, ये बात अच्छे से याद कर लेना, राइट। अगर तुम परमात्मा का यूज ही करते रहोगे तो पर तो ये काल तुम्हारा यूज करता रहेगा, ये माया तुम्हें यूज करती रहेगी, जिस दिन परमात्मा को समर्पण हो गए ना, प्यार में आ गए, आशिकी आ गई, तो धन्य हो जाओगे, एक बात समझ लेना उसको कि जब वो आशिकी पे आ जाता है ना, वो बराबरी पर आ जाता है, तुमने 1% भी प्यार किया ना, वो भी 1% प्यार कर दे, उसका 1% कितना होगा तुम समझ सकते हो, 1% उसका कितना होगा, तुम्हारा 1% कितना और उसका 1% कितना, तो प्यार में छोटी छोटी कुर्बानियां देते हैं ना, जरा देकर देखना, जरा कुर्बान होकर देखना अपने और इष्ट परमात्मा के ऊपर, तो फिर पता लग जाएगा, अच्छे से आनंद आ जाएगा जीवन का, अगर बात समझ में आ जाए तो कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, तो देखने वाला खुद ही तलबगार नहीं होता है, सच्चे दिल से पुकारो उस प्रीतम को, सच्चे दिल से पुकारो उस प्रीतम को, फिर देखना वो कैसे साकार नहीं होता है, फिर देखना वो कैसे साकार नहीं होता है, वो तो साकार होने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वो तो पता नहीं किस किस रूप में आने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आया है एक बच्चे की हंसी के रूप में, उसी की तो हंसी छुपी है, हमने देखा ही नहीं, हम बच्चे के पीछे पड़ गए, जो दिखता है हम सिर्फ उसके पीछे पड़ जाते हैं, किसी का रूप सौंदर्य देखकर भी जरा उस परमात्मा की याद आ जाए किसी को तो कमाल हो जाए। स्वामी विवेकानंद के सामने एक बार एक व्यक्ति आया, बड़ा तार्किक था, बड़ा लॉजिकल, बड़े तर्क देता था, उसने स्वामी विवेकानंद के सामने कहा कि भगवान नहीं होते, तुम कैसे बार बार ये जिक्र करते रहते हो ऐसा वैसा, ए योगी यू इज टॉकिंग लाइक दैट, तो उसने बोला ए क्या कर बोलते रहते तुम फालतू में, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम बताओ, तुम कैसे प्रूव करोगे कि भगवान नहीं है, जरा बताओ। उस बंदे ने तर्क देने शुरू किए भगवान ना होने को लेकर, भगवान ना होने को लेकर वो तर्क दे रहा है,
तर्क दे रहा है, ऐसे ऐसे उसने तर्क दिए, ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे तर्क दिए। स्वामी विवेकानंद उसकी बात सुनकर रोने लगे, आनंद में झूमने लगे, आनंद आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। वो बंदा हैरान हो गया, और जब उनकी आंखों कहते लगता है इन्होंने सरेंडर कर दिया मेरे सामने, लगता है मेरे सामने इन्होंने सरेंडर कर दिया, वो अपनी आशिकी में खो गए हैं। स्वामी विवेकानंद आनंद में, वाह वाह, अगर तेरे जैसा बंदा वो परमात्मा बना सकता है जो इतना महान तार्किक है, जो तेरा हर तर्क परमात्मा को डिसअप्रूव करने के लिए है, और मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि तेरे हर तर्क को देने वाला वो परमात्मा कितना खूबसूरत होगा, इतनी प्रखर बुद्धि बनाई है उसने तेरी, इतनी प्रखर बुद्धि, तेरा हर लॉजिक परमात्मा को डिफाई कर रहा है कि वो नहीं है, और मुझे देख देख कर हैरानी हो रही है, मैं परमात्मा की याद से भरा जा रहा हूं कि वो कितना दयालु होगा जिसने तेरे जैसे इंसान को बना के रख दिया, कितना महान होगा वो। जब तारीफ करी स्वामी विवेकानंद ने, कहीं ऐसे दिल पे जाके लगी, उसकी आर पार हो गया मामला, पैरों में गिर पड़ा तुरंत आकर, प्रभु माफ करो, मैंने आप जैसा इंसान नहीं देखा कभी आज तक। उनके नेत्रों के जो अश्रु टपके ना, उसने मजबूर कर दिया उस व्यक्ति को झुकने पर जो इतना तार्क था। एक 10 मिनट पहले वो ऐसे ऐसे तर्क दे रहा था परमात्मा को डिसअप्रूव करने के लिए कि वो नहीं है, झुक गया चरणों में, कहता अंदर से तो मैं भी जानता था, कहता अंदर से तो मैं भी जानता था, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं जब मैं उसके उसके अगेंस्ट तर्क देता था तो मेरा अंदर भी कहीं से कहता था कि इतने जो तर्क दिए जा रहे, इतनी शक्ति देने वाली ये कौन सी सत्ता है जो तेरे भीतर बैठकर बोल रही है। कहता विवेकानंद ने जैसे उसको नमस्कार किया इस बात के लिए, उस सत्ता को मैं नमस्कार करता हूं, निरुत्तर हो गया, हाथ जोड़ दिए, सर झुक गया, गिर पड़ा उनके चरणों में आकर। कहते मैंने और किसी भगवान को देखा ना, वो आपके बीच में मैं साक्षात भगवान देख रहा हूं, जो मेरे अंदर भगवान देख सकता है। विवेकानंद जी ने कहा जो मेरे अंदर भगवान देख सकता है उसको कण कण में नजर आएगा, और वो भी तो उनकी भी अपनी हस्ती है, उनकी भी तो हस्ती है। बात समझने की कि आपको कितने जल्दी परमात्मा नजर आता है, हर एक व्यक्ति के बीच में, हर एक व्यक्ति के बीच में अगर आप उसकी किसी भी गुण की तारीफ करते हैं, सारी तारीफ परमात्मा की है, और अगर आप किसी भी चीज की शिकायत करते हैं ना, सारी शिकायतें भी उसी को जा रही हैं, जरा याद रख लेना। किसी के रूप की सौंदर्य की तारीफ करते हैं आप, याद रखना, किसी की खूबसूरती की तारीफ करें ना, इस बात को याद रखते हुए बोलना कि अगर इसको ये इतना सुंदर या इतनी सुंदर है, इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। राइट, समझ में आता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, होना चाहिए ना, ये बात जरूर आनी चाहिए। बस जिसको ये बात समझ में आ गई, उसका ध्यान जो गुनाह सभी फरमाते हैं कि दात प्यारी विसरिया दातार, दात प्यारी उसकी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो बनाने वाला अच्छा नहीं लगता तुझे। री मतहीनी माछली, कबीर साहब जी फरमाते हैं री मतहीनी माछली, हे मछली तूने किससे प्यार किया, तो समुद्र से रूठ कर बैठ गई और छीलर के साथ प्यार करके बैठ गई, छोटे से टपरे के साथ प्यार करके बैठ गई, शर्म नहीं आई तुझे, तुझे समुद्र तो भूल गया जिससे तू पैदा हुई, जो तेरा ओरिजिन है, जिस जो तेरे प्राणों में बसता है, वो समुद्र तुझे भूल गया, तुझे रेत अच्छी लगती है, तुझे वो कांटा अच्छा लगता है जो तेरे दांत में गड़कर तेरे मौत की तरफ लेके जा रहा, वो तुझे अच्छा लगता है, वो दाना तुझे अच्छा लगता है, जिस समुद्र में पैदा हुई तू वो तुझे अच्छा अच्छा नहीं लगता, शर्म नहीं आई तुझे। बात कर रहे हैं हमारी हमारी अकल की बात कर रहे हैं, अपनी अपनी इस बुद्धि को समझा रहे, तुझे समझ में नहीं आई अभी तक, तुझे परमात्मा नहीं अच्छा लगता, तुझे उसकी चीजें प्यारी लगती है, तो जरा समझ लेना अपने आप को, झकझोर के चीजें अच्छी लगे ना, कोई भी चीज, कोई व्यक्ति सुंदर लगे तो कह देना अरे वाह इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, नमस्कार करता हूं मैं उसको जिसने तुझे बनाया, तारीफ के लायक है वो, सच में है। राइट, खाने की कोई चीज लजीज हो, अच्छी लगे, स्वाद आए तो कह देना अरे वाह आनंद आ गया, ये बनाने वाले ने जिसने ये चीजें पैदा करी वो कितना महान होगा, कितना खूबसूरत होगा वो, जिसने सुंदर प्रकृति बनाई, जिसने सूरज चांद उगाए, इतने बड़े बड़े गोले हवा में ठहरा देता है। आप किसी मदारी को देखते हो ना, मदारी वो खेल खेलता है, वो चार पांच बॉल्स के साथ ऐसे ऐसे करता है, वो चार पांच बॉल को ऐसे उछाल देता है, चार पांच बॉल हवा में थोड़ी देर के लिए उछलते हैं और आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, अरे वाह क्या जादूगरी है, क्या जादूगरी है, जिस परमात्मा ने इतने बड़ी बड़ी पृथ्वी जैसे सूर्य जैसे गोले हवा में लटका रखे हैं, कोई खेल है क्या,
कोई कर सकता है? और कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक हवा में गोला लटका सकते हैं कैसे? एक लटका के दिखा दें जरा, मान जाए, मजा आ जाए, करके देखें जरा, कर पाया कोई? सिर्फ उसकी महिमा गा सकते हो बाबा, उसकी महिमा गा सकते हो, उसका आदि अंत नहीं है, उसका आदि अंत नहीं है। कितनी महिमा गाओगे उसकी, कहां तक देखोगे, कौन से एंड पर जाकर देखोगे, समझ में नहीं आती। संतों की वाणी में रामचरित मानस में लिखते, प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीर्थ अमित कोटि सम पावन। भगवान की महिमा गाते हुए लिखते हैं, प्रभु अगाध सत कोटि पाताला, इतना महान है वो, समन कोटि सत सरिस कराला, इतना प्यारा, इतना मीठा है वो। कहते तीर्थ अमित कोटि सम पावन, तुम एक तीर्थ की पूजा करते हो, परमात्मा ऐसे अरोड़ों करोड़ों करोड़ों तीर्थ बनाने वाला है। नाम अखिल अग पूगन सावन, उसका नाम ऐसा पवित्र है कि सारे संसार के समस्त कष्टों का निवारण कर सकता है। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा, तुम्हें एक हिमालय इतना ऊंचा लगता है, उसकी तारीफ करते हो, हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा, मेरे भगवान, भगवान राम की बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते मेरे भगवान करोड़ों अचल जो हिमालय है उनके समान मेरे प्रभु अचल है। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों सिंधुओं के समान वो गंभीर है मेरे भगवान। काम धेमु सत कोटि समाना, तुम एक काम धेनु की बात करते हो, ऐसे करोड़ों अरबों खरबों काम धेनु है जिससे पैदा होती है, ऐसे है मेरे परमेश्वर सकल काम दायक भगवाना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कहते सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, एक कोई भगवान थोड़ी है, एक माँ शारदा थोड़ी है, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, उस परमात्मा के द्वार में ऐसे करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों शिव उसकी महिमा गा रहे हैं। अनेक एक ब्रह्मांड थोड़ी है, अनेक अनेक ब्रह्मांड है, ये श्री रामचरितमानस के वचन बता रहा हूँ। रामचरितमानस में लिखा है कि एक पृथ्वी थोड़ी है, करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां, उन करोड़ों करोड़ों पृथ्वियों पर करोड़ों करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के अवतार हैं, उन सबको नमस्कार है। विष्णु कोटि सम पालन करता, विष्णु कोटि सम पालन करता, एक आदि की बात नहीं कर रहे, करोड़ों करोड़ों रुद्र कोटि सम सत सम सत सम संगरता, भगवान रुद्र जो है करोड़ों रूप है उनके। धनद कोटि सत सम धनवंता, धनद मतलब कुबेर, करोड़ों करोड़ों धनवान धन कुबेर है। माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्विधि निरपम प्रभु जगदीशा, वो प्रभु जगदीश मेरे परमेश्वर है, वो मेरे परमात्मा है जिनकी मैं महिमा गा रहा हूं। याद रखना, जिस प्यार जिससे प्यार कर रहे हो वो कौन है, संपूर्ण ब्रह्मांड से प्यार कर रहे हो, ये हमारे सनातन धर्म की महानता है। उन्होंने सबसे प्यार करना सिखाया, आज हम पत्थरों को भी पूजते हैं, आज हम नदियों को भी पूजते हैं, पशु पक्षियों को भी पूजते हैं, ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। उन्होंने सिखाया है सबको नमस्कार करना, कितनी महान है वो उस परंपरा, नमस्कार करो और जानो उस परंपरा को। अगर अब नहीं जान पाए तो याद रखना, कोई और आकर अपना धर्म आपके ऊपर थोप देगा किसी समय में। अपने धर्म का सम्मान करना सीखना, याद करना सीखना, और धर्मो रक्षति रक्षिते, अपने धर्म की रक्षा करना, नहीं तो एक दिन कोई और जो है कब्जा करके बैठ जाएगा जैसे पहले किया हुआ था। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करना, आप धर्म की रक्षा करोगे तो एक दिन धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। बात समझ में आ रही है? थोड़े को ज्यादा समझ लेना, थोड़ा कहा जा रहा है अलग अलग ढंग से समझ लीजिए। परमात्मा के साथ प्यार करना, वो महान परंपरा जिसमें हम जन्मे हैं, उस सनातन धर्म को नमस्कार करना, और उन उन उन, उन सदग्रंथों को लिखने वाले ऋषियों को नमन जिन्होंने ऐसे सदग्रंथ लिखे, जिन्होंने ऐसी वाणियों का उच्चारण किया, उन महापुरुषों को नमन, उन्होंने हमें ऐसी परंपराएं दी हैं। अब हमारा काम है इन सब का सम्मान करते हुए अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास करना। तो कोशिश कर लेना, गोल्डन चांस मिला है, आशिकी मार लेना, गुरुमुख सच्ची आशिकी जिस प्रीतम सच्चा पाइए, परमात्मा के साथ सच्ची आशिकी, क्या वो परमात्मा आशिकी के लायक नहीं है? दुनिया की तुच्छ चीजें तुम्हें आशिकी के लायक दिखाई पड़ती है, कोई गहरा गहरा कोई गहरी गहरी आपको तुम्हें बड़ी आशिकी के लायक दिखाई पड़ती है, उसके होठ ऐसे और उसकी नाक ऐसी और उसकी आंख ऐसी, मुझे समझ में नहीं आती लोग क्या बकवास करते रहते, तो परमात्मा की समझ में नहीं आती, तुम्हें वो सुंदर दिखाई नहीं पड़ता, मेरे सुंदर कब मिले कित गली, हर के संत दिखाओ मार्ग हम पीछे लाग चले, हाय मुझे कैसे मिले मेरा प्रीतम भगवान, जिन्होंने उसके सौंदर्य को निहारा है, उसके सामने दुनिया की सौंदर्य किस गिनती में आता है। तो जरा प्यार कर लेना,
प्यार कर लेना, उस सच्चे आशिक के साथ प्यार कर लेना, जीवन सफल हो जाएगा। आशिकी करना, उसके साथ बैठकर कभी दिल से कह देना कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, जरा बैठ दो बातें करें बैठ के, मजा आ जाए उसकी बात। अभी तो तुम अपनी बात कह रहे हो, जिस दिन उसने अपनी बात कहनी शुरू कर दी तो प्रसिद्ध हो जाओगे संसार के अंदर, फेमस हो जाओगे। याद रख लेना दो बातें उसने जिनको भी कही है आज तक, वो संसार के में कितने बड़े संत कहलाए गए हैं जिसके साथ उसने बातें करी है। यही तो सुनने में आता है, बड़े बड़े जो पैगंबर हुए हैं वो सब कहां से पैदा हुए हैं? क्योंकि परमात्मा ने उन पर एक दृष्टि मात्र कर दी थी। वो परमात्मा कितना महान होगा जिसकी कृपा इतनी सुंदर, जिसके कार्य इतने सुंदर, जिसकी बातें इतनी सुंदर, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जरा कर लेना आशिकी, मौका है। मौत के बाद तो कोई नहीं कहेगा कि आशिकी मारो। जब तक जीवन है, जब लग श्वास चल रहे हैं, जब लग प्राणों में कंपन मौजूद है, जब लग रुआ रुआ कंपित है, जब लग जवानी का जोश है, तो इस जोश को दिशा देना परमात्मा के साथ सच्ची आशिकी करके जीवन को सफल कर लेना। यहां तो सुखी होगे पर लोक में भी धन धन भाग्य मनेंगे। आप तो हो ही जाएंगे और आपका कल्याण तो हो ही जाएगा। आपको याद करने वालों का कल्याण ना हो गया तो मुझे बोल देना, जो आपको भी याद करेंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके थ्रू किसी की याद जुड़ी होगी और उस याद को दिल में बसाने का समय है। इसको अच्छे से अपने दिल में बिठाओ और अपने कल्याण का मार्ग खोजो, ठीक है। और व्यर्थ की बातों में अपने आप को उलझाओ मत, अपने व्यर्थ की बातों में अपने मन को उलझाओ मत। बस प्रेम करना सीख लो परमात्मा से, इसमें सब कुछ समा जाएगा। एक बार आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। परमात्मा से प्रेम का रास्ता अपना लो। आइए इस प्रेम को थोड़ा और दृढ़ करते हैं, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने दिल को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्र को यहीं पर समापन की तरफ लेकर चलते हैं। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी कनेक्ट रहें, कनेक्ट हो जाएं। जो लोग भी नहीं कनेक्टेड हैं तो वो कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब सत्र को यहाँ पर YouTube पर हम अभी समाप्त करने जा रहे हैं। अच्छा, कल शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। शिवरात्रि बहुत विशेष होता है। शिव और शक्ति का जो मिलन बाहर होकर हमारी आत्मा के भीतर वो मिलन होगा। रात को 8:30 के करीब टाइम रहेगा, हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो जरूर मेन चैनल पर रहेगा, MGM वाले चैनल पर, मिशन जीनियस माइंड वाले चैनल पर जरूर कनेक्ट होइएगा। और ये अपने आप में रिमार्केबल होगा, ऐसा कुछ जो आप भूल नहीं पाएंगे, तो जरूर कनेक्ट होइएगा। शिवरात्रि का सुंदर त्योहार हम सेलिब्रेट करेंगे। 1.5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, लगभग 8:30 से चालू होकर लगभग 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। तो जरूर कोशिश करना कनेक्ट रहने की, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने अभी तक नहीं जाना होगा, नहीं समझा होगा। वी विल कनेक्ट टू द डिवाइन पावर। ये सीधी सीधी एक शक्तिपात की क्लास होगी जहां आपको अट्यूनमेंट मिलेगी। तो लेट्स कनेक्ट टुमोरो। अभी के लिए इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी सत्र को जो लोग इस पर हैं वो हम अब यूट्यूब चैनल पर से पे पर हैं, वो वीडियो को लाइक कर दें जरा एक बार अच्छे से, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दें, राइट। तो अपनी आत्मा का कल्याण तो करेंगे सही, और दूसरी आत्मा लोगों के कल्याण के लिए भी परमात्मा से सच्ची आशिकी करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे, और अपने जीवन को सदा सच की ओर लेकर चलेंगे, अपने धर्म का आदर करेंगे। और ये कंक्लूजन बता रहा हूं, परमात्मा जीते जी उस परमात्मा के साथ सच्चा प्यार, सच्ची आशिकी का रिश्ता जोड़ लेना, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग जूम पे अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं वो जूम पे ज्वाइन कर जाएं। जो लोग यहाँ से यूट्यूब पर गए थे, यूट्यूब से वापस जूम पर आ सकते हैं। आपको पूरा अवसर है, पूरा मौका है आपके पास, तो आप अभी आना चाहें तो आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो लोग हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप
अगर आप जुड़ना चाहें तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो हम बहुत सारे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, कभी कभी हम अपने जो पेड प्रोग्राम होते हैं उनका लिंक भी डाल देते हैं, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप जरूर ज्वाइन कर लें फेसबुक पेज पे जो लोग नए हैं। अब हम जूम पर मूव कर रहे हैं, जूम पर मूव कर रहे हैं, कल जूम पर भी रहेगा, कल प्रोग्राम जूम पर भी रहेगा, पर ज्यादातर यूट्यूब पर रहेगा, ये बता दें। जूम का सेशन हम पक्का नहीं कह सकते, तो यूट्यूब पर तो पक्का रहेगा कल सेशन, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। अभी इतनी जल्दबाजी मत करें, थोड़ा समय दें हमें कल के लिए। अभी सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहां पर आप पहुंच जाएं। थैंक यू वेरी मच। जूम का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, इसी वीडियो के नीचे जूम का लिंक दिया हुआ है, राइट? जूम का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देखो तीसरी चौथी लाइन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। परमात्मा से प्यार कर पाइए तो हम मान लेंगे कि आपने इस बात को समझ लिया है, और सच्ची आशिकी के ऊपर जरा एक हाथ लगा देना, डुबकी मार लेना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।